Happy birthday to me. बाद इस प्रोग्राम हाँ जी हेलो लोअर योर टोन ओके देखिएगा एक ही कर रहे हैं और टोन लो की व्हाट इज दिस हैप्पी बर्थडे असल में ना उसकी बर्थडे आ रही है ना जी 20 दिन के बाद वो जरा खुश है हैप्पी है तो गा रहा था अभी से ही 20 दिन पहले ही हाँ जी कर ले कर ले तब महजन कदाफी स्टेडियम सैयद लिसो रिजाल जमी और रिफा क्या था मैंने पूरा कजासवी स्टेडियम बुक करवा लिया है किसके लिए अपनी बर्थडे के लिए हाँ जी हुआ बे जिड्डा तेरा बेटा तेरा कजाफी स्टेडियम ही बंद है कदाफी स्टेडियम जी सर बड़े मेहमान आएंगे पूरी दुनिया से मेहमान आएंगे ना सत्तून अल्फ पाउंड का कतो शकुलात लो कहंदा 60,000 पाउंड दा सिर्फ केक बनवाया है 60,000 पाउंड जी सर वो पूरा का पूरा ऐसे बिछेगा पूरा वो जो गोल ग्राउंड नहीं है उसके दरमियान में बिछेगा भी पूरी दुनिया ने खाना ना सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके और जिन्हों ठंड लगे उत्ते लेके सो भी जाएगा एक्सक्यूज मी सैकून होना का तिमसाल उजाबी आप अगर उस प्रोग्राम की वो मेजबानी करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा जिनने भी सेलिब्रिटीज आएंगे उनका इस्तकबाल आप करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा अच्छा बहुत पैसे लेते हैं कम फ्लूस कम अज कम 60,000 रुपया एक दिन का मेरी सालगिरह ही 1700 रुपया ले तिना दिन का तुम चुप करो मुझे बात कर लेने दो रोटी भी अपनी सी ना मैंने कहा ना चुप करो मेरी डील ना खराब कर बताइए बताइए क्या कह रहा था 60,000 बाउंड वन डे आई वन डे माफी मुश्किल بعد البروجرام واحد مليون دولار والسيارة رولز رويس قادر رولز رويس أيوة هذا هدية ایک مليون دولار رولز رويس بس میں کر دوں گا ہوسٹنگ سوچے تو صحیح شکر ہے کیا شو کے اندر کبیر کبیر هذا بالون بالون لا لا ما في صغير نہیں کہنا وہ چھوٹے بالون نہیں ہوندے وہ نہیں تو پھر ايوه ستكون بالونة الحوائل الساخنه ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪਕਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 에ਅਰ ਬਲੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 에ਅਰ ਬਲੂਨ 에ਅਰ ਬਲੂਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵਾਂ ਸੇ 에ਅਰ ਬਲੂਨ ਕਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੂ ਉੜेंगे ਉੜेंगे ਅੱਛਾ ਆਈ ਵਾ ਆ ਦਾ ਰਿਫਾਕੁਲ ਏਜੀ ਗੌਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣਗੇ ਗੌਸ਼ੀ 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 ਅੱਛਾ ਗੁੱਚੀ 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 ਹਾਂ ਗੁੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੌਸ਼ੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਰਸਾਚੀ ਵਰਸਾਚੀ ਹਾਂ ਲਿਓ ਬਤਾਉਂ ਲਿਓ ਬਤਾਉਂ ਆਲੂ ਬਤਾਉਂ ਨਹੀਂ Louis Vuitton brand hai sab pike kharbuze ka muh hai tera Louis Vuitton Louis Vuitton yeah ha ek gal mein ki thi nahi kaise keh rahe hai sahi keh rahe hai Gucci Versace Louis Vuitton sayatimo is qatl ahziya ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਸੇ ਬਰਸੇਂਗੇ ਆਈ ਵਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੂਈ ਵਿਟੋਨ ਗੁੱਚੀ ਔਰ ਵਰਸਾਚੀ ਉੱਪਰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਫੈਂਕੀ ਜਾਏਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਬਾਦਲ ਹਾ ਸਾਅਤੁਲ ਰੋਲੈਕਸ ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਫੀ ਬਾਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਲੈਕਸ ਘੜੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਭ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲੈਕਸ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ 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 ਬਸ ਸਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲਕਦ ਅਹਦੈਤੁ ਲਿਨਫਸੀ ਜਜ਼ੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਰਾ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ इसको खुद जजीरा दे रहा है बाकी दुनिया में जो लोग हैं वो क्या देंगे अरे वो फिर ब्रिटानियल प्रिंस हां वो सब इस यार अतुल खास है कहंदा ब्रिटानिया का जेड़ा प्रिंस है वो मेनू एक हेलीकॉप्टर जेड़ा हैगा छोटा तैयारा जेड़ा है वो गिफ्ट करने लगा वाह वाह अरे वो फिर ऑस्ट्रेलिया हां वो सब बहरीन हक कहंदा ऑस्ट्रेलिया वाले सानू एक बहरी जहाज दे रहे हैं अरे वो है गिफ्ट सारे गिफ्ट दे रहे ने या वो रेच इनते मैं भी सब भी ज्यादा है मैं भी गिफ्ट देंगा इश वो जेड़ा केक कटने वास्ते तन्नू छुरी नहीं चाहिए आई वा लेकिन छुरी ना ना देना तुसी मुंह ना ही काट लेना भाई साहब आइकॉनिक बर्थडे दिस इज गोइंग टू बी आई मस्ट आई मामा फी आई मशहूर लहजा सेलिब्रेट ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਮੈਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੇਕਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜੜੇ ਕੇ ਪਿਆ ਸਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਾ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਵਾ ਨਾ ਆਰਫ ਅਨਾ ਆਰਫ ਆਈ ਵਾ ਯੂ ਵਾ ਨਾ ਆਰਫ ਅਜ਼ਾ ਬੇਬੀ ਬਾਜੀ ਆ ਅਰੇ ਬਾਜੀ ਸ਼ਮੀਨਾ ਆਪੀ
कहिंदा जो मैं तुहाडा ड्रामा देखना ना मैं बहुत हसना किस तरह हसते हो कणक लाओ चक्की चल गई जे Have you seen her work? Aiywa, I saw the drama. Yes, yes. Family front. Yeah, family front. Yeah. Yes, yes. Family front. Aiywa, I arif, I arif. Machal. Hey, uncle, kon? Unke husband hai. Aaja. Assalamu alaikum. Kaise hal hai, habibi? Habibi. शुक्र कर ब्रीफ केस मेरा ऐस हाथे सी अगर ऐस हाथे जो ना एक मिनट खो के मार देना फिर खली फिर सब बाद प्रोग्राम आना मौजूद है ऑफिस ओके खली प्रोग्राम तो बाद ऐसी ऑफिस में बैठे हैं तुझे अपना अकाउंट नंबर दे मैं आ रहा हूँ शो के बाद इसको जाने नहीं देना आपने अभी मुझे आना इंतजार कर रहा बस Welcome back to Gupshup. Manzar sahab, कोई languages आती हैं other than English, Urdu, Punjabi and German, I'm sure. ये काफी नहीं है चार. नहीं मगर कभी होता है कोई interest होता है मतलब शबाज शरीफ साहब को सात ज़बानें आती हैं. एक आती है. वो कौन सी? चुप. अच्छा. चुप की ज़बान. सर ऐसी ज़बान शादी तो पहले सीखी के बाद जो. नहीं वो सिखा दिया. ये क्या बात है? एक नई जुबान उनको सिखा दी है ये क्या बात है अच्छा है ना ये सर ये अभी की ही बिल्कुल इजाद है आपके लिए चुप वाली जुबान आपने सीखी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है इससे पहले ये चुप ना थी मगर वैसे हम समझते थे कि शायद ये हम लोगों में ही मसला है मगर ये कोई यूनिवर्सल मसला है ये चुप हो जाने वाला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो तो मैंने आपको इतना सीरियसली उसको लेने की जरूरत नहीं है मैं कहा शायद कोई एक ऐसी कोई बात नहीं है मैंने मजाक में बात की मगर यू ऑल्सो नो जर्मन एज वेल मतलब इतने नहीं अगर आपको उस मुल्क की जुबान नहीं आती तो वहां रहने की तुक नहीं है एंड इज इट डिफिकल्ट टू लर्न जर्मन ये हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है आपने कोशिश की क्या कुछ सीखा आपने जर्मन में थोड़ा थोड़ा हाँ थोड़ा सा वो क्या क्या हाल है क्या 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 कहते वी गेट्स बाप इतना ही पूछती होंगी वो आगे से जो मर्जी बता देते होंगे बस ठीक है मेरा काम पूरा हो गया बिल्कुल बिल्कुल ये एडवांटेज है मेरे लिए तो अच्छा यानी कि ये एडवांटेज तो कोई होता है आपको जर्मन में साफ बोलते रहते हो जब कोई थोड़ा मूड खराब हो तो खुद ही जर्मन में बोल बाल के फारिग हो गए जर्मन च गुस्से च कल्ले बोल रहे होंदे ने आपे नु ते जदों आपे कहंदे की कह रहे जे मैं ते तुहाडी तारीफा कर रहे हां यार मुझे अपनी बेगम की तारीफ करने के लिए जर्मन जबान बोलने की जरूरत नहीं है ये सर उर्दू का गलत तलफ्फुज जब आप सुनते हैं तो आपके दिल पे क्या गुजरती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है देखें उर्दू जुबान जो है किसी जुबान से लगाव होना या उसके साथ कोई रिश्ता बनना जो है ये आसान काम नहीं होता तो ये उर्दू जुबान जो है अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरी जुबान तो नहीं है ना जर्मन जुबान जो है वो मेरी जुबान है मेरी जुबान तो पंजाबी मेरा जो रिश्ता है मेरी मादरी जुबान जो है वो पंजाबी है हम कश्मीरी हैं अमूमन यही होता ना कि जुबान इस्तेमाल की है एक होता रिश्ता बनाना जुबान के साथ तो वो बड़ा ज़रूरी होता है अगर आपने जुबान के इस्तेमाल में एक ख़ास किस्म का जादू पैदा करना है उसमें खूबसूरती पैदा करनी है तो उसके लिए आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा